कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर अर्थात पुष्प की संरचना, उसके पश्चात उसके लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर युग्मक उद्भिद अर्थात पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है, लघु बीजाणु जनन, उसका अध्ययन किया था। और इसके बाद आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं गुरु बीजाणु जनन या मादा युग्मक उद्भिद के विकास की संरचनाओं का अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पुष्प की संरचना को एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। जो हमने पुष्प की संरचना में पढ़ा था कि रिसेप्टिकल होता है, बाह्य दल होते हैं, साथ ही साथ इसमें आपको एक बार मैं पुनः याद दिला दूं, पुष्प की संरचना ये ग्रीन पार्ट जो है वो बाह्य दल कहलाता है पुष्प का, कलरफुल पार्ट जो है ये कहलाता है दल पत्र। ओके स्टूडेंट्स, और फिलामेंट और परापक्ष वाला भाग कहलाता है पुंकेस है, जिसकी विस्तृत संरचना और लघु बीजाणु निर्माण का अध्ययन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मक का विकास। तो गुरु बीजाणु जनन जो होता है वो पुष्प के जायांग वाले पार्ट में होता है, इसको कहते हैं जायांग या स्त्री केसर पार्ट, इंग्लिश में इसको कार्पल कहा जाता है। तो पुष्प का जो जायांग वाला भाग रहता है, यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो, यहाँ पर ये फूली हुई संरचना अंडाशय कहलाती है, फिर ये पतली नली ट्यूब में बदल जाती है जिसको क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, और ये एंड पॉइंट जहां पे खत्म होती है उसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। तो एक बार पुनः देख ले हम, तो ये स्टिग्मा इंग्लिश में है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। ये क्या करती है, परागण निषेचन के लिए परागकणों को अपने ओर आकर्षित करती है और परागकणों को अपने अंदर से प्रवेश करने देती है। दूसरा, इसका खोखली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो स्टाइल कहलाता है, जिसको कहते हैं हम वर्तिका। ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन एक बार पुनः आपको हम स्मरण करा रहे हैं। ये फूला हुआ जो भाग कहलाता है ये कहलाता है अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर ही हमारे गुरु बीजाणु और मादा युग्मक का विकास होता है। तो ये थी हमारी पुष्प की संरचना के बारे में और जिसमें गुरु बीजाणु का विकास होता है उसके बारे में अध्ययन। बच्चों, हर पौधे में अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और उनके जो पुष्पी फ्लोरल स्ट्रक्चर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ प्रकार के पौधों के पुष्पों में एकल अंडाशय पाया जाता है, तो यहाँ पर एकल अंडाशय हो जाएगा, ये इनको एकांडपी कहेंगे, एकांडपी कहेंगे, अर्थात इसमें अंडाशय जो होता है या जो जायांग होता है वो कैसा होता है, एक होता है, ओवरी एक ही होती है। कुछ पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, युक्तांडपी, अर्थात बहुत सारे अंडप रहते हैं उसके अंदर और वो संयुक्त हो जाते हैं। और कुछ प्रकार के जो पुष्प के जो जायांग रहते हैं उसमें जो अंडाशय रहता है वो कैसा रहता है, अलग अलग मुक्त अवस्था में भी रहता है। इस प्रकार से ऐसे अंडाशय को हम कहते हैं बहुअंडपी, बहुअंडपी पर मुक्त, मुक्तांडपी, अर्थात बहुअंडपी अंडाशय के अंतर्गत मुक्त वाले अंडाशयों की उपस्थिति। कार्पल, ये यहाँ पर मेटाकार्पल स्टेज कहला रही है और यहाँ पर अंडाशय क्या है, इकट्ठे हो गए हैं और वो स्टिग्मा उनकी एक हो गई है। तो ये था वर्णन कि कितने प्रकार के ओवरीज जो होती हैं वो फ्लावर्स में पाई जाती हैं अलग अलग प्लांट। अभी चित्र में देखा कि अंडाशयों की स्थिति, तो उसके हिसाब से अंडाशय कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। पहला हो गया एक अंडपी, अर्थात इसमें अंडाशय या ओवरी या बीजांड जो है वो एक रहता है, इसलिए इसको एक अंडपी कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार होता है वो है बहुअंडपी, अर्थात जिसमें अंडाशय कितने होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, वो बहुअंडपी कहलाते हैं। अब इन बहुअंडपी की भी संख्या उनकी व्यवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के हो गए। पहला हो गया युक्तांडपी, फर्स्ट टाइप हो गया युक्तांडपी, अर्थात अंडाशय
आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े हुए अवस्था में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने सेकंड डायग्राम में आपको दिखाया था। और दूसरा होता है वियुक्त अंडपी, अर्थात अंडाशय आपस में जुड़े नहीं रहते, और ये कैसे रहते हैं, आपस में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यानी बहुत सारे अंडाशय तो हैं, पर कैसे हैं, स्वतंत्र अवस्था में, कोई भी अंडाशय एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहता है। ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत आते हैं, साथ ही साथ कभी कभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आता है। गुरु बीजाणु धानी की संरचना क्या है, अंडाशय के अंदर ये गुरु बीजाणु धानी जो है वो बीजांड व्रंथ की सहायता से जुड़ी हुई होती है, और ये बीजांड व्रंथ आगे जाकर के विकसित होता है तो ये दो आवरण के भीतर ये घिरा हुआ रहता है। इसको कहते हैं बाह्य आवरण, जो ये पूरा ये वाली लेयर कंप्लीट किया हुआ ये पूरा बाह्य आवरण कहलाता है। और इसके बाद दूसरा जो आवरण होता है वो होता है अंतः आवरण, यानी इनर इंटेगुमेंट, इसको इंग्लिश में इनर इंटेगुमेंट कहा जाता है। अब बीजांड का जो शिरा होता है, विपरीत वाला सिरा, उसको निभा गया चलाजा कहा जाता है, और नीचे का जो सिरा होता है, यहाँ पर दोनों इंटेगुमेंट यहाँ पर जगह छोड़ के रखते हैं, इसको कहते हैं बीजांड द्वार। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा कि गुरु बीजाणु नाम है अर्थात बड़ा, तो ये बीजांड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बड़ा है और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है। इसके अंदर न्यूसेलस अर्थात बीजांड का स्थित होता है, बीजांड का बहुत ज्यादा घने प्रोटोप्लाज्म के उपस्थिति वाली कोशिकाएं होती हैं, और इसके अंदर ही आर्की स्पोरल कोशिका पाई जाती है। ये जो आर्की स्पोरल कोशा है ये किसका निर्माण करती है, भ्रूण कोश का निर्माण करती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, एक समप करते हैं इसको। तो गुरु बीजाणु धानी बीजांड व्रंथ से लगी हुई है, बाह्य एवं अंतः आवरण से घिरी हुई होती है, इसके अंदर बीजांड काय पाया जाता है, और उस बीजांड काय में भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बनता है गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्थात मेगा स्पोरिक मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के रचना की जो प्रक्रिया होती है उसको गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बीजाणु जनन जो है वो किस प्रकार स्टार्ट होता है और किस प्रकार से होता है, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो यहाँ पर एक हम देख रहे हैं एक अंडा, मतलब जायांग वाला पोर्शन देख रहे हैं पौधों का, पुष्प का, और ये जायांग पोर्शन में जो ओव्यूल है इसके अंदर ही डिप्लॉइड सेल जो होती है वो बाद में जाकर के मियोसिस का डिवीजन और माइटोसिस दोनों न्यूक्लियाई सेल डिवीजन करके क्या करते हैं, गुरु बीजाणु का निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं हम, ये जो मेगा स्पोरिक मदर सेल अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशा जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशा जो कि आर्की स्पोरल सेल से डेवलप हुई है, तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशा, इसको इंग्लिश में कहते हैं MMC, ये शॉर्टकट याद रखिएगा। ये क्या करती है, ये 2N स्टेज में है, अभी इसकी गुणसूत्र की संख्या कितनी है 2N, अर्थात डिप्लॉइड कंडीशन में है। ये 4 सेल बनाती है, 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है, अर्थात हर किसी में क्रोमोसोम नंबर NN रहते हैं, ठीक है। अब इनमें से 3 सेल्स जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, 3 कोशा लुप्त हो जाती है इसमें से, और 1 कोशिका जो रहती है वो बचती है। ये जो कोशा रहती है ये माइटोसिस डिवीजन अर्थात समसूत्री कोशा विभाजन करती है, इस बात को ध्यान दीजिए। ये मैंने बहुत अच्छे साइकिल वे में बनाया जिससे आप भूलेंगे नहीं, इसको देखने से आपको पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समसूत्री कोशा विभाजन करती है, इसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है, ये अगेन समसूत्री कोशा विभाजन करती है तो इसका न्यूक्लियस कितने में बढ़ जाता है, 4 भागों में बढ़ जाता है। अब फिर अगेन इसमें फिर से एक बार समसूत्री कोशा विभाजन होता है तो इसमें 8 सेल स्ट्रक्चर आ जाता है, यहाँ कितने सेल आ जाते हैं, 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर आ जाता है।
अब यहां पर अगर हम देखें तो इसमें से तीन जो है वो क्या करते हैं, ये जो बीच के दो हैं ये पोलर न्यूक्लियाई अर्थात ध्रुवी ध्रुवी केंद्रक कहलाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ये दो ध्रुवी केंद्रक बना लेते हैं और तीन जो रहती हैं वो एंटीपोडल सेल बना लेती हैं। एंटीपोडल न्यूक्लियाई बना लेते हैं, इनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है और जो तीन है इसमें से दो सिनर्जिड सेल और एक ओवम अर्थात अंड या एग सेल का निर्माण करता है, इसी को ही हम मादा युग्मक कहते हैं। ये बात बच्चों समझ में आई है सबको कि जो बीजांड का आया था उसमें से गुरु बीजाणु को मात्र कोशा रहती है, वो समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार कोशिकाएं बनाती है जिसमें से तीन सेल डिजनरेट हो जाती है, एक सेल बचती है जो अगेन एंड अगेन समसूत्री कोशा विभाजन, उसके न्यूक्लियस विभाजित होते हैं समसूत्री व्यवस्था के तहत और तीन बार वो समसूत्री डिवीजन करने के बाद में एक सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं और इससे एक मैच्योर एम्ब्रियो सेल का निर्माण होता है। अब हम आपको आपकी बुक में जो डायग्राम है उसको पुनः समझा रहे हैं। ये यहाँ पर फिर से वही एट सेल डिवीजन आ गया जैसा हमने आपको पहले उसमें बताया था। एट सेल डिवीजन में यहाँ पर ये सेंट्रल सेल हो गई यानी मेन कोशा हो गई और यहाँ पर टू पोलर न्यूक्लियाई बन गए, ये बना है टू पोलर न्यूक्लियाई और तीन एंटीपोडल आ गए यहाँ पर और ऊपर देखते हैं हम तो उसमें से दो सिनर्जिड यानी सहायक कोशा बन जाती है, सहाय बन जाते हैं और एक एग अर्थात अंडाशय या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। तो ये हो गया एक पूरे बीजांड की अर्थात मादा युग्मक का जन्म। इस प्रकार से हमने देखा कि मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार पुष्प के जायांग में होता है। अब हमने पढ़ा लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में जैसे ही लघु बीजाणु जनन होता है टेट्राड यानी चार कोशिकाएं बनाते हैं, चार बनते हैं और वो चार के चारों ही नर युग्मक में बदल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं तो केवल एक सेल ही क्या करती है, मादा युग्मक का निर्माण करती है। थैंक यू बच्चों, ये था हमारा गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत पढ़ाए गए पाठ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि परागण क्या होता है और निषेचन किस प्रकार होता है। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से समझें और लर्न करें।